Hello, I welcome you all to Ingenious Career Pro. Myself Prasu and I'm the faculty here for Computer Science Department. And यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कीज एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस. ओके, सो कीज का मतलब क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या है डीबीएमएस के अंदर, और फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम किस तरह से देखते हैं डीबीएमएस के अंदर. ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट पे हम आज देखेंगे कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है, किस तरह हम टेबल में इसको यूज करते हैं, और द कैटेगरीज ऑफ द की. ठीक है, किस तरह के कैटेगरीज हैं, कितने टाइप्स की हमारे पास की अवेलेबल होती है डीबीएमएस में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें समझना है कि की का मतलब क्या होता है. लेट्स से वी हैव अ टेबल. ठीक है, तो की क्या होता है एक टेबल में, एक क्या रिलेशन में. सबसे पहला हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है. टेबल की बात जब भी हम करेंगे या तो उसको टेबल कहेंगे या हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे. ठीक है, इट इज अ रिलेशन. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या, फील्ड क्या होता है, जो टेबल के अंदर कंटेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं या तो फील्ड हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है. ठीक है, एट्रीब्यूट हो सकता है. साथ ही साथ इसमें हम तीसरी चीज की किसकी बात करेंगे, रिकॉर्ड की. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड, और हम कह सकते हैं टपल की बात करेंगे. ठीक है, चौथी चीज क्या है, कीज. की क्या होता है बेसिकली, की बेसिकली यूनिक, कोई एक यूनिक कोई एट्रीब्यूट, यूनिक एट्रीब्यूट जो डिफाइन कर रहा हो पूरे एक कंप्लीट टपल को. ठीक है, यूनिक एट्रीब्यूट. तो ये सब टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, सुपर की का मतलब क्या होता है, सुपर की. एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द कैंडिडेट की. ठीक है, एंड कैंडिडेट की के बाद हम बेसिकली देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की एज वेल. ठीक है, हम प्राइमरी की को भी देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की, एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ आल्सो की वी विल डिस्कस. ओके, सो सबसे पहले टेबल एंड रिलेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे. ठीक है, तो कोई भी अगर हमारे पास गिवन एक टेबल है, लेट्स से दिस इज अ टेबल. ओके, यहाँ पे अगर एक टेबल मैं ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूँ, इसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डिफाइन करूँ. ठीक है, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया. लेट्स से मैं टेबल क्रिएट करता हूँ किसका, एम्प्लॉय का. ठीक है, और एम्प्लॉय की क्या हो सकती है, एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय मेल आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय मेल. ठीक है, और एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. ठीक है, एम्प्लॉय का एड्रेस भी हो सकता है, यस वी कैन एक्सटेंड इट. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया. ठीक है, और इसका कुछ और यूनिक एट्रीब्यूट हो सकता है, तो देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये सारे, ये जो टर्म है सारे, दिस होल टर्म इज व्हाट, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ व्हाट, एट्रीब्यूट. इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, और क्या कहते हैं इसको, फील्ड कहते हैं. ठीक है, इसको हम फील्ड कहते हैं. तो अगर हम इसको एट्रीब्यूट और फील्ड कह रहे हैं, तो जनरली ये एट्रीब्यूट या फील्ड क्या होंगे, कुछ अपने आप में यूनिक स्पेशलिटी रखते होंगे. ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की आईडी क्या हो सकती है, यूनिक हो सकती है. लेट्स से 101 एक एम्प्लॉय आईडी है, 102 एक एम्प्लॉय आईडी है, 103 एक एम्प्लॉय आईडी है. इसी तरह कुछ ईमेल आईडी हो सकती है, तो हर एम्प्लॉय की अपनी क्या होगी, एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी होगी, और दैट विल ऑल्सो बी यूनिक. ओके, सो याहू, लेट्स से याहू है यहाँ पे, @gmail है. ठीक है, समथिंग. ठीक है, @redditmail है. ठीक है, तो ये सब क्या हो सकता है, ढेर सारा यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ ईमेल हो सकते हैं. नाउ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट हो सकता है, तो फॉर्मेट कैन बी 19/10/94 एंड सिमिलरली 10/5/86 समथिंग लाइक दैट. ओके, सो कुछ भी यहाँ पे डेटा हो सकता है. सिमिलरली एड्रेस हो सकता है, तो लेट्स से xyz इज एड्रेस, yzy इज एड्रेस, एंड xxz इज एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कीज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय कीज. तो कीज ऐसी ऐसे एट्रीब्यूट या ऐसे फील्ड होते हैं यहाँ पे जो यूनिकली डिफाइन करें. ठीक है, कीज का मतलब क्या होता है, जो यूनिकली यूनिकली डिफाइन कर सकें. ठीक है, किसको यूनिकली डिफाइन कर सकें, किसको, पूरे रिकॉर्ड को या पूरे टपल को डिफाइन कर सके. ठीक है, तो डिफाइन कर सके किसको, टपल को डिफाइन कर सके. अब यहाँ पर टपल का मेरा मतलब क्या कहने का है, कि जब भी हम टपल की बात करते हैं, तो टपल हम कंसिडर किस करते हैं, अगर मैं ये पूरा केस लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है,
अगर मैं ये पूरा केस लेता हूँ, सो अगर मैं इसको पूरा केस यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टपल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक पूरा कंप्लीट टपल। तो यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी अगर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इम्प्लॉय आईडी क्या है, यूनिक है, एंड यूनिक कॉल करने से क्या होगा, कंप्लीट रिकॉर्ड वी कैन फेच, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं, ठीक है। तो एक एक रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन अगर कोई की हमें स्पेशली दे रहा है, तो ये इम्प्लॉय आईडी क्या हुआ, यूनिक हुआ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ईमेल क्या है, ईमेल भी यूनिक है। अगर हर इम्प्लॉय का अपना एक स्पेसिफिक ईमेल होगा, तो ये भी एक यूनिक है। क्या डेट ऑफ बर्थ यूनिक हो सकता है, नहीं हो सकता है कि एक सेम डेट ऑफ बर्थ मल्टीपल इम्प्लॉयज का हो, तो ये यूनिक नहीं है हमारा। एड्रेस, एड्रेस भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, सेम अपार्टमेंट सेम बिल्डिंग में रह सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये तो टर्म ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी एंड इम्प्लॉय मेल, दीज टू आर व्हाट, यूनिक इन सेल्फ, ठीक है। अपने नेचर में क्या है, ये यूनिक है। अगर ये यूनिक है, तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ कीज, ओके। एंड आउट ऑफ कीज, ढेर सारे अगर कीज हैं एक टेबल में, उन पूरे कीज में कोई एक को हम क्या मानते हैं, प्राइमरी की मानते हैं, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, एक ऐसा की, सिर्फ और सिर्फ एक की, जो कि नल नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ठीक है, कांट बी नल, कांट बी नल। तो इट कांट बी नल एंड एज वेल एज इट शुड बी यूनिक इन द टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड और टपल, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, ठीक है। नाउ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सुपर की की बात करते हैं। सुपर की का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो की का मतलब क्या हुआ, जो यूनिकली डिफाइन कर रहे हो, तो यूनिकली मल्टीपल हो सकते हैं, तो दोज मल्टीपल और स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं क्या, वो क्या है, कीज है, ठीक है। एंड आउट ऑफ दोज कीज अगर हम एक चूज करते हैं, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइंग दैट रिकॉर्ड और टपल, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज अ प्राइमरी की, ओके। नाउ सुपर की क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ सुपर की बात कर रहा हूँ, तो सुपर की मतलब क्या हुआ, वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज, ओके। कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस कॉम्बिनेशन की, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी लेता हूँ, इम्प्लॉय आईडी लेता हूँ, तो कह सकते हैं कि यार ये इम्प्लॉय आईडी हमारी क्या है, यूनिक है, तो कैन इट बी सुपर की, यस दिस इज द सुपर की, ठीक है, हम सुपर की कह सकते हैं। अगर मैं इम्प्लॉय आईडी के साथ अगर मैं ईमेल आईडी भी लूं, तो अभी भी यूनिक ये डिफाइन कर रहा है, यस। अगर हम इन दोनों एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे, तो डेफिनेटली हम रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हैं, तो ये क्या है, एक और सुपर की है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय मेल, मेल एंड साथ ही साथ डीओ भी ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एंड साथ ही साथ हम इसका क्या ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है, एड्रेस ले लेते हैं। तो ये चार भी क्या डिफाइन कर रहे हैं हमारी, ये चार भी हमारे क्या है, सुपर की है, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बता सकते हैं, तो सारे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके एक रिकॉर्ड को, एक टपल को, देन वी कैन से दैट इज व्हाट अ सुपर की कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सुपर की मैक्सिमम एलिमेंट के लिए कैसे हम पता करेंगे, ठीक है, तो इस पूरे रिलेशन में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, चार है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, एन है, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं, तो दैट इज ऑलवेज गिवन बाय, फॉर एनी एन कॉम्बिनेशन, किसी भी एन कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम देखें, किसी भी एन कॉम्बिनेशन के लिए, तो इट विल ऑलवेज मेक (2^n-1) कॉम्बिनेशन, ओके। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके। तो अगर हम चेक करें इसका कॉम्बिनेशन, तो वन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वन के यहाँ चार बन सकते हैं, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, तो दो दो के कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। So, अगर ईमेल आईडी और मैंने डीओ भी लिख दिया, अभी भी ये यूनिक डिफाइन कर रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट बाहर निकल रहा है, तो कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है इसमें बाहर, कि अगर एक कोई प्राइमरी की है और नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट भी है साथ में, तो तब भी ये यूनिक डिफाइन करेगा। बस कंडीशन ये है कि हमें क्या, एक एटलीस्ट प्राइम की एट्रीब्यूट उसमें मेंशन रहना चाहिए, सो दैट इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द
रिकॉर्ड. ओके, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, टू के ढेर सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. सो दैट इज वॉट अ कंप्लीट सुपर की. ठीक है, तो यहाँ पे हम सुपर की किसको किसको कह सकते हैं, जो यूनिकली डिफाइन करें. ठीक है, अब अगर मैं कह दू यहाँ पे डीओबी और एड्रेस को अगर मैं कंसिडर करूं, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ डीओबी और एड्रेस को कंसिडर करूं, तो क्या ये सुपर की में आएंगे, क्या ये सुपर की में आएंगे? नहीं, ये सुपर की में नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिसमें कोई भी हमारा की अवेलेबल नहीं है. की इज नॉट अवेलेबल. सो व्हेन की इज नॉट अवेलेबल देन वी कैन नॉट से इट इज अ सुपर की. एटलीस्ट वन हमारा क्या होना चाहिए, उसके अंदर की होना चाहिए. ठीक है, सो कंक्लूजन अगर हम देखें इसका, तो कंक्लूजन में हमें ये पता लगेगा कि इसके अंदर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, पांच. ठीक है, तो पांच एलिमेंट को अगर हम देखें, तो पांच एलिमेंट इसमें ऐसे हो सकते हैं जो कि डिफाइन करें अपने आप को. ठीक है, तो अगर मैं कहूं एक हमारे पास सेट बन रहा है क्या, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय मेल, ओके, एंड डीओबी, एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एड्रेस. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ एड्रेस. ओके, सो ये पूरे कॉम्बिनेशन कैसे हम कह सकते हैं, दिस इज अ सुपर की. ठीक है, सुपर की. नाउ ये हमारा सुपर की का कांसेप्ट है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैंडिडेट की, अब अगला टर्म आता है हमारे पास क्या, कैंडिडेट की क्या हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिडेट की. ठीक है, तो कैंडिडेट की हमारा कैसा रिफर करता है, तो आउट ऑफ ऑल सुपर की, ऐसे की जो क्या हो उसमें सुपर की में से अगर हम कोई एट्रीब्यूट निकाले, ठीक है, और वो एट्रीब्यूट सुपर की ना हो. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वो एट्रीब्यूट का प्रॉपर सबसेट सुपर की ना हो. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इम्प्लॉय आईडी निकालता हूं बाहर, ठीक है, तो वी कैन से एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ दिस कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है, ऐसे की जो जिसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सुपर की ना हो. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट, सो दिस कैंडिडेट की इज said as whose proper subset is not a super key. ठीक है, ठीक है, अब यहां पे अगर हम कैंडिडेट की बात करें, तो यहां पे अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, ये एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर क्या है, चार एट्रीब्यूट है, इसमें से अगर मैं कोई भी एक पिक करता हूं, ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट ना हो. ठीक है, मतलब कहने का प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, इफ हमारे पास कोई एक सेट ए है, अगर यहाँ पे 1 2 3 है, लेट्स से 1 2 3 है, और यहाँ पे सेट बी है, ये क्या है, 2 3 है, सो अगर ये बी वाला सेट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यस, ठीक है, और बी क्या है, प्रॉपर सबसेट, मतलब इसके सारे एलिमेंट कहाँ लाई कर रहे हैं, इसके अंदर लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की, ठीक है, उसका प्रॉपर सबसेट जो हो वो सुपर की ना हो. ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज अ कैंडिडेट की. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो क्या हम ईमेल आईडी को ले सकते हैं, एक हमने अगर सिंपल अगर इम्प्लॉय आईडी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने इम्प्लॉय आईडी ले लिया, तो ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है. ठीक है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, जो इंडिविजुअली अलोन है. ठीक है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी ले लिया तो इसका भी कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है. ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं है. लेकिन अगर मैं ईमेल आईडी और डीओबी ले लिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी एटलीस्ट वन यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी जो लाई कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है, इस पूरे टर्म में लाई, तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो रिडंडेंसी इसके अंदर ऑकर नहीं होनी चाहिए. ऐसे कीज को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं. ठीक है, तो रिडंडेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी टर्म रिपीट ना हो. ठीक है, कोई भी टर्म रिपीट ना हो. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल. सो कभी भी अगर हमारा सुपर की मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आ रहा है, मैक्सिमम पांच आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से इंडिविजुअली जो की एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं. ठीक है, so that is called as a candidate key. ठीक है, तो
बात करें अगर प्राइमरी की तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है, तो आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की एक हमारा क्या होता है उसमें प्राइमरी की होता है, ठीक है। तो दैट आउट ऑफ ऑल कीज वी कंसीडर वन एज अ प्राइमरी की। तो ये क्या रिफ्लेक्शन था किसका, सुपर की का, एंड आउट ऑफ ऑल दैट कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है कैंडिडेट की प्रॉपर्टी, वो हमेशा सुपर की का मिनिमल एलिमेंट होता है, ठीक है, सुपर की का हमेशा मिनिमल एलिमेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सबसेट उसका सुपर की नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैंडिडेट की, सुपर की एंड कॉन्सेप्ट ऑफ की। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, फील्ड मतलब क्या होता है, टपल मतलब क्या होता है, टेबल, और रिलेशन को हम क्या कहते हैं, किस तरह से होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कीज, ठीक है। कुछ और चीज आते हैं हमारे पास, जैसे कि अल्टरनेट कीज आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेट ऑफ कीज है, ठीक है, उसमें से हमने एक प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो रिमेनिंग जो बचेंगे हमारे पास, रिमेनिंग जो कीज बचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कीज बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट की, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के की हैं जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब भी आपको हेल्प होंगे। नाउ बात करें अगर फॉरेन की, ठीक है, तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, अगर एक टेबल से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट एट्रीब्यूट रेफर करता है किसी अनदर टेबल को, देन वी कॉल इट एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की का मतलब क्या हुआ, लेट से यहां पे मैं एक चीज और एड कर दू, ठीक है, लेट से इफ आई एम एडिंग समथिंग हियर, तो यहाँ पे मैं एक डिपार्टमेंट आईडी ऐड कर दूं, लेट्स से हम यहाँ पे क्या ऐड कर ले रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी ऐड करने का मतलब क्या होगा, लेट्स से यस, सो अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ऐड कर दें, तो डिपार्टमेंट आईडी क्या है, एक तरह का यूनिक है एलिमेंट, ठीक है, यूनिक एट्रीब्यूट है। लेट्स से वी ऐड हियर व्हाट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल के लिए भले यूनिक ना हो, ठीक है, लेकिन इट कैन रेफर टू सम अदर टेबल, और वो टेबल कौन सा हो सकता है वो टेबल रिलेशन कौन सा हो, डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, डिपार्टमेंट का हो। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है इसको हम क्या कह सकते हैं, एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो ये अगर मैंने प्राइमरी की मान दिया तो ये क्या होगा हमारा, फॉरेन की, जो रेफर कर रहा हो किसी और टेबल को, ठीक है, जहां पे लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है किसकी, डिपार्टमेंट की, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की, एंड वी सॉ द अल्टरनेट की आल्सो, ओके। सो ये कुछ कीज हैं जो कि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इसका हमने देखा इसको, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे वर्क आउट करेंगे, तो दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी, इट वाज फंक्शनल डिपेंडेंसी सी, जस्ट अ सेकंड, यस, सो दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी विल एग्जिस्ट अगर हमारे पास कोई एक टर्म अगर दूसरे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो एक टर्म अगर दूसरे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इफ एक्स इज देयर विच डिटरमाइंस वाई, ठीक है, अगर एक्स है और वो वाई को डिटरमाइन कर रहा है, तो देन वी विल से इट इज अ फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को हम क्या बोलेंगे, दिस एक्स इज कॉल्ड एज अ डिटरमिनेंट, इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट, एंड दिस वाई विल कॉल्ड एज अ वैल्यू, वैल्यू ऑफ दैट, ओके। सो फंक्शनली डिपेंडेंसी कब होती है, कब एग्जिस्ट करती है, तो लेट मी टेल यू वन विद एन एग्जांपल, कब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे, तो इसमें दो केस आते हैं, केस नंबर वन एंड केस नंबर टू, ठीक है। तो केस नंबर वन क्या कहता है, लेट्स से वी हैव सम वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लेते हैं एक्स, एंड यहाँ पे लेते हैं क्या, वाई, एंड लेट्स से सम वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, एंड लेट्स से यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 1 1 2 3, ठीक है। तो केस वन अगर हम बात करें, केस वन की बात करें, तो केस वन क्या कहता है, अगर मैं एक्स एक्स टेंड्स टू वाई लिखता हूं, मतलब क्या है, ये सारे यूनिक है, कैन वी सी,
यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये सारे क्या है हमारे यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये यूनिक हुआ, अगर ये यूनिक हुआ तो ये सेम भी रहे, वाई अगर हमारा सेम भी रहे देन ऑल्सो इट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, देर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर केस टू कहता है क्या कि अगर हमारे पास सेम आता है, मतलब अगर एक्स टेंड्स टू वाई है, ठीक है, और यहाँ पे अगर सेम एलिमेंट आते हैं, लेट्स से अगर मैं वाई ये सिनेरियो अगर छोड़ के मैं लिख लूं यहाँ पे वाई टेंड्स टू एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वाई की दो वैल्यू सेम है यहाँ पे, वाई की कौन सी वैल्यू सेम है, यहाँ वन है यहाँ वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे वन है और दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे वन है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द केस, दैट इज वन इज इक्वल्स टू वन, सो इन द दिस इज द एलएचएस पार्ट एंड दिस इज द आरएचएस पार्ट। ठीक है, तो अगर एलएचएस में दोनों वैल्यू सेम है तो आरएचएस में भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, आरएचएस में भी सेम होनी चाहिए, जो कि हम यहां देख रहे हैं पहले के लिए क्या है वन है और दूसरे के लिए क्या है टू है, तो विच इज नॉट द केस, ये क्या है सेम नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहां दो केस आते हैं, कभी भी हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे सेम आ जाती है, एंड ऑलवेज हम किसमें कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर बिटवीन द टू वैल्यूज, हमेशा दो वैल्यू में हमें कंपेयर करना होता है, तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन टू वैल्यूज मींस व्हाट, वी आर डिटरमाइनिंग दोस टू वैल्यूज, तो अगर यहाँ पे दो वैल्यू आती है तो दोनों वैल्यू किसमें रिप्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए सेम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगी तभी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसमें देखा, ये हमने केस टू में देखा, और केस वन में हमने क्या देखा, केस वन में हमने देखा कि अगर दोनों वैल्यू यूनिक है, लेट्स से वन और टू यूनिक है और कुछ फंक्शनैलिटी एक्स टेंड्स टू वाई इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों अगर यूनिक आ रही है देन डेफिनेटली इट इज अ, देन डेफिनेटली हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, देन डेफिनेटली इट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट था किसका, फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करने का। तो इसी कॉन्सेप्ट में, सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी है, ठीक है, तो जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है, सो दिस इज व्हाट, हाउ टू चेक द फंक्शनल डिपेंडेंसी, हम किस तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो केसेस के इर्द गिर्द ही फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू लर्न द फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ की भी हम देख सकते हैं किस तरह से की बात करते हैं, सो दिस इज ऑल टेबल रिलेशन फील्ड रिकॉर्ड की सुपर की कैंडिडेट की प्राइमरी की अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो इन दीज टू सुपर की एंड कैंडिडेट की आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू और इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑल अबाउट कीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है किसी भी एक रिलेशन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द कीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, फंक्शनल कीज हमें पता होना चाहिए, कीज कैसे वर्क करते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड आई होप यू लाइक द सेशन, इफ यू अंडरस्टूड द सेशन देन डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। Okay, so thank you so much for watching this. I'll see you in the next session. Thank you.